वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम समझते हैं बीएससी सेकंड ईयर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके एग्जाम में। तो समझते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एक कौची सीरीज से रिलेटेड है और इसको पूछा गया है कि यह जो जो सीक्वेंस दिया है वह कन्वर्जेंट है। तो हमको प्रूव करना है कि वह जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी है, ठीक है। तो उसके बारे में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान दें तो इसको हम मान लेते हैं एस एन, ठीक है। ये जो है एस एन है, तो 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 to the power 3 प्लस अप टू सो 1/3 to the power n ये जो है एस एन गिवन है दोस्तों, ठीक है। अब हमको बताना है यह जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है और साथ में हमको इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस एम ले लेते हैं, ठीक है। एस एम क्या होगा, तो चूंकि n जो है, यदि n मेंबर है तो यहाँ पे n आ जाता है, बाकी सेम रहता है। तो n मेंबर होगा तो आपका सेम वैल्यू आएगा 1/3 स्क्वायर 1/3 to the power 3 प्लस अप टू सो 1/3 to the power n यहाँ पे m आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप कौची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको यदि प्रूव करना चाहें, यदि हमारे पास इस सीरीज को, ये इस सीक्वेंस को यदि आप कौची सीक्वेंस है ऐसा यदि आप प्रूव कर दिए, तो आप ये बोल सकते हैं कि यह जो सीरीज है, सीक्वेंस है, वह आपका क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको प्रूव करना है। चलिए, तो इसके लिए हमको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एम लेना है, ठीक है, निकालना है। तो उससे पहले देखिए, आपके पास चाहो तो इसको एस एम को पहले लिख सकते हो, एस एन को बाद में लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है, यदि एन को पहले ले रहे हैं तो एन जो है ग्रेटर देन आर इक्वल होगा एम से, या एम को पहले ले रहे हैं तो एन जो है ग्रेटर देन आर इक्वल होगा एन से, तो ये फिक्स रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, सोचिए सबसे पहले हम बात करें एन ग्रेटर देन आर इक्वल एम हो उस कंडीशन में। देखिए एन एस एन माइनस एस एम लिखा हूं मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम एन वाला जो है टर्म्स जो है वो बड़ा है किसकी अपेक्षा, एम वाले टर्म से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को जो एस एन लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूं 1/3 1/3 का स्क्वायर अप टू सो 1/1 n फिर 1/m+1 प्लस अप टू सो 1 ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे का टर्म, लास्ट जो टर्म होगा 1/3 to the power n ऐसा आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला m n ग्रेटर देन आर इक्वल m है, इसका मतलब n जो टर्म्स है ना, n टर्म्स, टर्म्स मतलब पदों की संख्या, ठीक है। तो जो पदों की संख्या जो है वो m की, m पदों की संख्या से ज्यादा है, जैसे ये 5 पद होगा तो ये 10 पद है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि 3 to the power 10 तक का जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक का जाएगा, और इसमें 5 टर्म्स है मतलब 5 तक का जाएगा, 3 to the power 5 तक, 5 टर्म्स तक जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि यदि हम एस एन में से एस एन को माइनस करें तो सोचिए क्या क्या घट जाएगा। देखिए ये 3 to the power ये सेम है, ये सेम है, ये थर्ड वाला भी सेम रहेगा, कहाँ तक सेम रहेगा, 1/3 to the power n तक का सेम रहेगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, देखिए ये सारा चीज कट गया, ये सब चीज जो है वो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बचेगा क्या दोस्तों, तो 1/3 to the power m प्लस 1 से लेके 1/3 to the power n तक का बच जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे इसी का वैल्यू जो लिखेंगे हम 1/3 to the power m+1 प्लस m यहाँ पे आएगा 3 to the power m+2 फिर 3 to the power m+3 प्लस अब टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 1/3 to the power m तक का जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो n है ना
उस एन को हम फिक्स कर देते हैं, उसको हम 2m तक का ले लेते हैं, और चूंकि 2m जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होगा m से, ठीक है, क्योंकि m जो है वो क्या है, वो इंटीजर ही है, ठीक है, नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर है, तो इस कंडीशन में ये तो ग्रेटर देन है, मतलब हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैं ऐसा ले लूँ तो क्या लिया, तो यदि मैं ऐसा लेता हूँ दोस्तों, तो एस एन माइनस एस एन का जो वैल्यू होगा वो मेरे को मिल जाएगा 1/3n+1 प्लस 1/3n+2 और प्लस में आएगा 3/1/3n+3 प्लस सो वन 1/3n2m लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2m। तो 2m को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, m प्लस m लिख सकते हैं दोस्तों, m प्लस m लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये हुआ इसमें कि यदि मैं सोचू, यदि मैं सोचता हूँ कि कौन वेरी कर रहा है इसके पावर में, तो पावर में देखिए m तो यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे फिक्स है, तो फर्स्ट टर्म में सभी जगह फिक्स है, तो वेरी कौन कर रहा है, तो ये वन वेरी कर रहा है, तो 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, m तक का। मतलब ये हुआ कि m टाइम्स तक के यदि ये एक फिक्स कर दूँ, इसको मैं फिक्स कर दूँ, तो m टाइम तक का 1, 1 जो है एड हो जाएगा, ठीक है, m टाइम्स तक का 1, 1 जो है एड हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली लेस देन लिखेंगे, ठीक है, या लेस देन आर इक्वल लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे कि m अपॉन 3^(m+1) लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, m अपॉन 3^(m+1) यही मैंने क्यों लिखा, सोचिए देखिए मैंने क्या इसको इसलिए लिखा क्योंकि जैसे जैसे मैं डिक्रीज होते जाऊंगा, जैसे जैसे डिक्रीज होते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा टर्म कम आने वाला है। तो यदि मैं केवल इसकी एक अकेले टर्म्स की बात करूँ तो ये अकेला टर्म्स जो है इन सब को डिक्रीज करने वाले टर्म्स के क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और ये यदि बड़ा होगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि यदि मैं कितने टाइम ये आएगा सेम सेम लिखूंगा, मतलब इसी चीज को हर एक टर्म में कितने टाइम लिखूंगा, तो एम टाइम लिखूंगा। तो इसलिए 3^(m+1) जो है यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा, सेम सेम रहेगा पहला टर्म जो है, तो जब सेम सेम रहेगा इसमें तो एक ही बार लिखाएगा वो। दूसरा 1, 1, 1, 1 जो कितने टाइम एड होगा, तो कितने टाइम एड होगा, एम टाइम एड होगा, इसलिए वो m बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, m अपॉन 3^(m+1) लिखा है इसमें, ठीक है। और ये जो है ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन होता है 1/3 से, आप चाहे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि m का मान आपको इंटीजर रखना है, इसलिए ऑलवेज ही क्या मिलेगा आपको 1/3 से स्ट्रिक्टली लेस देन मिलेगा। अब मेरे को कौन सी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, कोई हमको एप्सिलॉन चाहिए, उस एप्सिलॉन के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एन का जो मान है वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, और फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल एम हो तो उसके लिए ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमको ट्रू करने के लिए आगे देखते हैं हम एप्सिलॉन क्या लेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, समझते हैं एप्सिलॉन कैसे लेंगे, समझिए। सबसे पहले यदि मैं इसको ले लूं कि एप्सिलॉन को मैं चुन लेता हूं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, देन देयर एग्जिस्टेड एन ग्रेटर देन आर इक्वल एम, ठीक है, सच दैट इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार मिल ही जाएगा कि एस एन माइनस एस एम स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, क्यों, क्योंकि मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, 1/3 जो है एप्सिलॉन के स्थान पे रख सकता हूँ, और ये आप चाहो तो फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल एम के लिए आप चुन सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमको मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, चूंकि इससे इससे हमको ये सिद्ध हो गया कि एन इज इक्वल टू 1 to ∞ एस एन जो है वो हमारे पास क्या बन गया, इज कौची सिक्वेंस, ठीक है, कौची सिक्वेंस। और यदि ये कौची सिक्वेंस है, और सिक्वेंस ऑफ चूंकि रियल नंबर की बात हो रहा है, इसलिए एवरी कौची सिक्वेंस इन रियल नंबर इज ऑलवेज कन्वर्जेंट सिक्वेंस, सो इसलिए ये जो कौची सिक्वेंस है
वह क्या हो जाएगा, हमारे पास इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगा। अब यदि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो यही तो हमको प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। दूसरी बात, हमको लिमिट भी फाइंड करना है कि इसका जो लिमिट होगा वो क्या होगा, वो चीज़ हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब लिमिट फाइंड करने के लिए अलग रूल का अप्लाई करेंगे हम लोग। तो लिमिट के लिए हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम SN लिख लेते हैं। तो SN क्या है, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, प्लस अप टू सो ऑन 1/3 टू द पावर n। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए स्टूडेंट, तो ये जो है वो गुणोत्तर श्रेणी है या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, या आप बोल सकते हो जीपी सीरीज है। ठीक है, तो यदि जीपी सीरीज होता है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं फर्स्ट टर्म कौन है, 1/3 है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है 1/3 है। आर का जो मान है वो अभी क्या है, आर मतलब आप सभी जानते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है 1/3 ही है, और उसी को सर्वानुपात भी पढ़ा जाता है, तो वो भी क्या है, कॉमन रेशियो होता है, सॉरी कॉमन रेशियो जो है वो 1/3 है, एंड सर्वानुपात बोले तो वो भी क्या है, 1/3 है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। अब इससे हम ये समझने वाले हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जीपी सीरीज में है ना, जीपी सीरीज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एन टर्म्स का योगफल क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं एन टर्म्स का वहाँ पे योगफल होता है, ए बाहर रहता है यहाँ पे, ऐसा रहता है 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन r, ऐसा रहता है। ठीक है, 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये रहता है, और यहाँ पे a भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे a भी रहेगा, तो ये जो है Sn का जो मान है वो है हमारे पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को रख के देखते हैं। ठीक है, रखिए, तो ए का जो वैल्यू है वो 1/3 है। ठीक है, ए का जो वैल्यू है वो 1/3 है, और आपका ये 1 माइनस r का जो मान है वो भी 1/3 है, और उसके पावर में n आएगा। नीचे में आप लिखेंगे 1 माइनस r का जो मान है वो क्या है, 1/3 है दोस्तों। तो ये ऐसे आप लेके चलेंगे। ठीक है, हमारा Sn का मान है लिमिट निकालने के लिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे 1/3, अब इसको अंदर सॉल्व करिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n, क्योंकि चूंकि 1 टू द पावर n जो है ऑलवेज 1 ही होगा, क्योंकि 1 का कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो आपको 1 ही मिलने वाला है, इसलिए आप 1 अपॉन 3 टू द पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम निकालिए, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको और हम सॉल्व करते हैं, तो यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे मिलेगा 1/3, और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे मिलेगा 3 टू द पावर n माइनस 1, या चाहो तो ऐसी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेम रखिए, 1 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n रहेगा। नीचे पे आइए, तो ये जो है देखिए, 3 माइनस जो होगा वो हो जाएगा 3/2/3। अब ये जो 1/3 है, यहाँ का भी जो 1/3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो भी बच रहा है उसको हम लिख लेंगे। तो ये 1 के अकाउंट में 1 है, और यहाँ के अकाउंट में 2 है, और 1 माइनस 3 टू द पावर n है, ये हमारा हुआ Sn, ये जो है वो Sn बना। तो इस Sn का लिमिट हमको फाइंड करना है, ये हमारा Sn है स्टूडेंट, इस Sn का लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट आप लगा लीजिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, Sn इज इक्वल टू, आप यदि लिमिट लगाएंगे तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, लिमिट तो लगेगा यहाँ पे अंदर में। ठीक है, तो आप लिमिट लिखेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 बाई n के, आपके पास लिमिट आएगा। अब आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 1/2, और 1 भी तो कॉन्स्टेंट है, तो 1 में लिमिट नहीं लगेगा, तो ये आपका सेम रहेगा, माइनस लिमिट यहाँ पे लगेगा, n टेंस टू इनफाइनाइट 1/3 टू द पावर n। तो ये जो है
वन अपॉन थ्री टू द पावर एन जो है थ्री के पावर में इनफाइनाइट हो जाएगा, और थ्री टू द पावर इनफाइनाइट जो होता है वो होता है जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पे थ्री टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा और वन के अपॉन इनफाइनाइट जो है वो जीरो बन जाएगा। तो इसीलिए आपका जो आंसर आएगा वो वन बाई टू आएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और वन का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो लिमिट आ रहा है स्टूडेंट वो आएगा वन बाई टू। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर थ्री था, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करिएगा स्टूडेंट। ठीक है।